पूरा वीडियो देखने पर मिलेंगे फ्री कॉइन्स, जिससे आप सुन सकते हैं पॉकेट एफएम के फुल एपिसोड्स बिल्कुल फ्री में। दुनिया मेरे पति को निठल्ला, निकम्मा और न जाने क्या क्या बुलाती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। पर मुझे इस बात का गम नहीं कि लोग मीरा और मेरे पति का मजाक उड़ाते हैं। गम तो मुझे इस बात का है कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। मैंने तो दुनिया के ताने सुनने की आदत डाल ली थी और एक छोटी सी नौकरी करके किसी तरह हम दोनों का गुजारा चल रहा था कि मेरे पति की वजह से मेरे हाथ से वो नौकरी भी छिन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम खाएंगे क्या। पर तभी अचानक मेरे फोन पर एक कॉल आया। हेलो, मिस शिप्रा, मैं कपाड़िया इंडस्ट्रीज से बोल रही हूँ। आपको ऑफिस सेक्रेटरी की नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप कल ठीक 9 बजे हमारे भेजे हुए पते पे इंटरव्यू के लिए आ जाइए। ये सुन मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कपाड़िया इंडस्ट्रीज शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो मेरी पिछली कंपनी के मुकाबले 100 गुना बेहतर थी। अगली सुबह ठीक 9 बजे मैं कपाड़िया इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंची और वहां कंपनी के सीईओ निखिल कपाड़िया ने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो मिस शिप्रा, हमारा ऑफिस ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, और इस एक सवाल के बाद निखिल सर ने मुझसे और कोई सवाल पूछा ही नहीं और सीधा बोले, यू आर अपॉइंटेड, आपको महीने के 2 लाख रुपए मिलेंगे और आप आज से ही मेरी सेक्रेटरी के पोजीशन पे ज्वाइन कर सकती हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना इंटरव्यू के निखिल सर ने मुझे ये नौकरी क्यों दे दी, पर मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने खुशी खुशी वो नौकरी ज्वाइन कर ली। अगले दिन निखिल सर ऑफिस नहीं आए थे, पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन चाहिए थे, इसीलिए मुझे सिग्नेचर लेने के लिए उनके घर जाना पड़ा। और उनके घर में कदम रखते ही मुझे दीवार पर एक तस्वीर टंगी दिखी, जिसे देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरे पति अभय की तस्वीर थी, जिसमें उसने बेहद महंगे कपड़े पहन रखे थे। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति की तस्वीर निखिल के घर में क्यों लगी थी। मैंने जब वहाँ के नौकरों से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो वो बोले, ये तो अभय साहब है जो 3 साल पहले। और आगे उस नौकर ने जो कहा वो सुन के मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और जानकारी हासिल करने के इरादे से चोरी छिपे निखिल सर के कमरे में घुस गई और जैसे ही मैंने लाइट्स जलाई तो वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसे देख मेरी रूह कांप गई। जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने उस कमरे में ऐसा क्या देखा, आखिर मेरे पति अभय की फोटो निखिल सर के घर में क्यों लगी थी और नौकर ने मुझे अभय से जुड़ा कौन सा सच बताया, जिसे सुन मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने कहानी मिस्टर अमीरजादा।